क्या त्रिदेव सीक्वल को सामना करना पड़ सकता है कंट्रोवर्सी का? 1989 में ऐसा क्या हुआ था? साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसका सॉन्ग तिरछी टोपी वाले खूब छाया था। फिल्म में सोनम को किसी ने भी अपनी भूमिका निभाई थी और वो सिर्फ 16 साल की थी, जिनकी बॉलीवुड में बोल्ड एक्ट्रेस की इमेज काफ़ी पॉपुलर थी, जिन्हें हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता था। फिल्म त्रिदेव का रीमेक जल्द बनाया जाएगा, ऐसी खबरें बहुत दिनों से चर्चा में बनी रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी फिल्म हो, उस पर कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर कॉन्ट्रोवर्सी बनी जाती है। ऐसे ही 1989 में राजीव रॉय से किसी बात पर हुई बहस के कारण अभिनेता शक्ति कपूर ने फिल्म की एक्ट्रेस सोनम के कैरेक्टर पर बहुत गंदे कमेंट किए थे, जिस कारण फिल्म और उन पर खूब बवाल हुआ था। साथ ही आपको एक और तरक्ती हुई खबर बता देते हैं कि फिल्म के निर्माता राजीव से फिल्म मेकिंग के समय ही सोनम के अफेयर की बातें बनना शुरू हो गई थी। राजीव और सोनम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, लेकिन सोनम त्रिदेव 2 में नज़र आ सकती हैं। इनका वापस फिल्म में कास्ट होना एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है। इन सभी बातों को लेकर फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आपको ये भी पता ही होगा कि फिल्म को 3 महीने तक सेंसर बोर्ड ने ये कहकर रोक दिया था कि फिल्म के तीनों मेन एक्ट्रेस को कानून की खिलाफत करते दिखाया गया है और राजीव रॉय ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस दौरान इन्हें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। क्या वही समय फिर दोहराया जा सकता है? इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन राजीव रॉय को फिल्म के रीमेक के लिए सावधानी से काम करना होगा ताकि पहले जैसी प्रॉब्लम फिर से खड़ी ना हो जाए। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। चलिए साथ ही साथ आपको एक ऐसी दुश्मनी के किस्से भी बता ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तान सलमान खान और खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। खबरों में ये भी आया है कि फिल्म त्रिदेव 2 में अक्षय कुमार भी सलमान खान के साथ लीड रोल में नजर आ सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम गुड फ्रेंड्स रहे सलमान और अक्षय के बीच बीते 4 सालों से जारी है कोल्ड वॉर। ऐसे में फिल्म पर बुरा असर भी पड़ सकता है। हुआ यूं कि दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा था कि अचानक 2017 में लीड रोल अक्षय की फिल्म केसरी को प्रोड्यूस कर रहे करण जौहर और सलमान ने फिल्म से अपना हाथ पीछे खींच लिया। एंड वक्त पर सलमान की ऐसी हरकत से अक्षय बहुत नाराज हुए और तब से ये कोल्ड वॉर चला आ रहा है। इनकी जंग से बॉलीवुड का मौसम भी गर्माने लगा और तो और सोशल मीडिया पर भी दोनों स्टार के फैंस भिड़ते नजर आने लगे। इन दोनों के कारण फिल्म त्रिदेव 2 को हो सकता है नुकसान या फेस करनी पड़ सकती है कंट्रोवर्सी, या फिर इन दोनों को साथ देखना फैंस के लिए एक सपना ही रह जाएगा। आप जानते ही होंगे कि सनी देओल और माधुरी दीक्षित की ये पहली और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी पर्दे पर कभी देखने को नहीं मिली। इसके पीछे क्या वजह रही होगी ये कोई नहीं जानता। इस बात को लेके खूब कंट्रोवर्सी बनी थी। शायद इसके पीछे सनी के टेस्ट की वजह हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म में ही काम करते नजर आते थे, जो माधुरी से बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन माधुरी की ऐसी ये पहली फिल्म नहीं थी जिसमें वो सिर्फ एक बार नजर आई हो। जैसे संजय दत्त के साथ भी वो एक ही बार दिखी थी, जिसकी वजह शायद संजू का बैकग्राउंड हो सकता है कि वे दोबारा साथ नहीं दिखे। बॉलीवुड के 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल और सलमान खान के बीच भी बहुत समय पहले कोल्ड वॉर चल रहा था, जो फिल्म त्रिदेव 2 को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो सलमान पहले ही रीमेक फिल्में करने से तौबा कर रहे थे और खबरों के मुताबिक वो सनी की फिल्म का रीमेक करने वाले हैं। शायद आने वाले समय में इनके झगड़े की खबर देखी जा सकती है। आने वाली फिल्म में सलमान खान के साथ शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, सनी देओल, हृतिक और भी खूब सारे एक्ट्रेस के कास्ट की बातें चल रही है, लेकिन किसी का नाम अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।